अच्छा 170 लोगों का ये जगह है, यहाँ पे सारे में लॉकर लगा हुआ है, देखिए पूरे में लॉकर लगा हुआ है और नीचे जमीन पे सोने के लिए बनाया हुआ है, गद्दा रखा हुआ है इधर, यहाँ पे किस तरह से रखा हुआ है, कपड़े किस तरह से टंगे हुए ये देख लीजिए। राहुल गांधी इसके अंदर आए थे कि नहीं? आए थे। राहुल गांधी से मिलने के बाद आप लोग को क्या लगा, किस टाइप का आदमी है राहुल गांधी? बहुत अच्छे आदमी है और मजदूरों के हक में लड़ने वाले आदमी है। और देखो वो एक ऐसे आदमी है जो हमारा जो ठेला है ना कुली का सामान जिसपे हम ढोते हैं, तो उन्होंने कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं किया, मैं इसी बोला इसी पे बैठूंगा जो आप जिस पे सामान उसी पे बैठना पसंद किया उन्होंने। अब आप लगाइए वो कैसे आदमी होंगे इस अंदाज़। ईयर में लगाया था या जैसे आपका नीचे ही बैठ गए? नीचे बैठे, हाँ नीचे। ये जैसे आप लोग यहाँ पे सोते हैं ऐसे नीचे? हाँ, 2024 का इलेक्शन आ रहा है इसलिए समीकरण बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, वो उन्होंने ऐसे कोई राजनीति की कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ हमारी समस्या सुनो थी, उन्होंने राजनीति की कोई बात ही नहीं चली थी यहाँ पे, कोई बात नहीं की राजनीति, कोई बात नहीं। यहाँ भी देखिए किस तरह से गंदगी है, टूटा फूटा हुआ है और इसी दो बाथरूम में 165-170 लोग यूज करते हैं इसको, इस बाथरूम आए थे और ये कुली हॉल उन्होंने ही बनवाया था। अच्छा, महेश गिरी जी ने बनाया? बिल्कुल उन्होंने बनाया, उन्होंने मेहनत की थी हमारे लिए, रेल मंत्री से उन्होंने बात की थी और हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा की थी, उन्होंने बहुत अच्छे आदमी थे वो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला, मैं हूं मान, मौजूद हूं मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास। देख सकते हैं यहां पर ये जो गाड़ी लगी हुई है कुलियों की है जिस पर सामान ढोया जाता है, इसी जगह पर आए हुए थे और एक डेढ़ घंटा यहां पे बिताया कुलियों के बीच। ये वो जगह है जहां पे कुली रहते हैं आनंद विहार के, देख सकते हैं आप यहां पे खाना बन रहा है और ये भाई साहब भी कुली है जो अपना खाना बना रहे हैं, दिन में काम करते हैं, शाम को आकर के खाना पीना बनाते हैं। सुबह में राहुल गांधी आए थे, आपसे बातचीत हुई है? जी हुई थी। क्या बातचीत हुई? उन्होंने बोला आपकी क्या परेशानी है, आप क्या चाहते हो? हाँ। क्या चाहते हो आप, रेलवे से क्या चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो? हमने हमारी बताई प्रॉब्लम, हमारी ये प्रॉब्लम है कुली हॉल नहीं है हमारे पास पर्याप्त, हम 200 समथिंग का कुली है, एक छोटा सा कुली हॉल है, लेटरिन बाथरूम हमारे साफ नहीं रहते, गंदगी रहती है, काम हमें कम मिल पा रहा है इसलिए हमारा घर का गुजारा खर्चा नहीं हो पा रहा, मेडिकल मिल पा रहा हमें कुछ नहीं मिल पा रहा हमें। सारे लोग अलग अलग खाना बनाते हैं, आपका अपना बंदा है? पाँच पाँच छः छः बंदे खाना बनाते हैं। पाँच छः बंदे जी, ना हमारे को कैंटीन वेंटीन भी नहीं है, पहले कैंटीन थी वो बंद करवा दी हमारे यहाँ। अच्छा, तो आप ऐसे ही नीचे छत भी नहीं है? कुछ भी नहीं सर यहाँ, और आप उधर खाना बना रहे हो उधर देखो आप, चलो उधर भी दिखाते हैं चल के, यहाँ पे आप खाना बना रहे हैं और यहाँ पे और भी जगह है, देख सकते हैं यहाँ पे कुली को रहने के लिए जगह है, कितने लोग यहाँ रहते हैं छोटे से जगह पे? 165 के करीब कुली है यहाँ पे। 165, इतनी छोटी सी जगह में? हाँ जी बिल्कुल, बड़ी परेशानी है रहने की हमें। तो राहुल गांधी ने कुछ आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि हम आप इस जगह आपकी जगह को बड़ी भी करवाएंगे। अच्छा, और आपको सुविधा भी, पीने का पानी की कोई सुविधा नहीं है? पीने का पानी का सुविधा नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है, रहने की भी कोई सुविधा नहीं है, कोई खास नहीं, अगर बारिश अच्छे से हो गई तो पूरा डूब जाता है, पूरा डूब जाता है, ये वैसे भी नीचे में है, पानी पानी हो जाता है यहाँ पे। दो टॉयलेट है, हम जब लेटरिन वगैरह सुबह जाते हैं तो हमको लाइन लगानी पड़ती है, सिर्फ दो टॉयलेट, 165 लोग हैं, एक एक घंटे आधा घंटे इंतजार करना पड़ता है, लाइन बाई लाइन जाना पड़ता है क्योंकि कुली की तादाद ज्यादा है, लेटरिन दो है। तो जितने सुबह राहुल गांधी आए थे 8 बजे तो भीड़ लगी रही होगी? जी, राहुल गांधी जी पहले वहाँ आए थे, उधर हमारा जो गेट है ना, एंट्री होती है वहाँ से, फिर वहाँ से उन्होंने हमारी समस्या सुन के बाद में हमारा कुली बिस्तर हमारे देख रहे थे, कितना छोटा है आपको, उसमें कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आपको कैसी जगह है, वो इसलिए देखने आए थे। चलिए आइए, दिखाइए आप अपनी जगह। तो देखिए ये जगह है कुलियों की, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है इनकी जहाँ पे ये सामान ढोते हैं, और ये जगह है जाने की, ये बाथरूम है आपका, यहाँ बाथरूम है, दो ही बाथरूम है अंदर में, दिखाना, दो बाथरूम है आप लोग का। अच्छा, टूटा हुआ है, एक गेट नहीं है इसके अंदर? हाँ, टूटा हुआ है, गेट नहीं है इसके अंदर, यहाँ भी टूटा फूटा हुआ है, यहाँ भी देखिए किस तरह से गंदगी है, टूटा फूटा हुआ है और इसी दो बाथरूम में 165-170 लोग यूज करते हैं इसको, इस बाथरूम को, बड़ी मुश्किल है यहाँ पर, यहाँ पे भी गेट नहीं है यहाँ पर, नहाने के लिए एक बाथरूम है, दो टॉयलेट है यहाँ पर, बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, जहाँ पे कुली खाना बनाते हैं, इसको देखिए किस तरह से गर्म है, गर्म है, ये चूल्हा है यहाँ पे, अभी अभी खाना बना है और यहाँ भी चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ पे खाना बना है, और बारिश होगी तो यहाँ पे कुछ छत नहीं है पूरा। हाँ, तो खाना कैसे बनाते हैं बारिश जब होती है? तो इधर उधर ले लेते हैं अंदर थोड़ा। अच्छा, इधर उधर छोटा सा मकान, छोटा सा वो टपरी वपरी डाला आपने, चलिए वो भी दिखाते हैं, जो छोटा टपरी वपरी डाला आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे हालात है, कुत्ता भी बैठा हुआ है यहाँ पे, और एक तरफ अलग अलग खाना बन रहा है, यहाँ भी खाना बन रहा है, यहाँ भी खाना बन रहा है, ये आप लोग का रेस्ट रूम है यहाँ पे। अच्छा, 170 लोगों का ये जगह है, यहाँ पे सारे में लॉकर लगा हुआ है, देखिए पूरे में लॉकर लगा हुआ है और नीचे जमीन पे सोने के लिए बनाया हुआ है, गद्दा रखा हुआ है इधर, यहाँ पे किस तरह से रखा हुआ है, कपड़े किस तरह से टंगे हुए ये देख लीजिए। राहुल गांधी इसके अंदर आए थे कि नहीं? बिल्कुल देखे गए थे। ये लॉकर एक एक आदमी का है या अलग? एक एक आदमी का, काफी सारा नंबर लिखा हुआ है, बहुत सारा लॉकर है, पूरा नहीं है, ये भी कम है, 165 कुली है और ये करीब 90 के करीब है ये लॉकर। अच्छा, लॉकर 90 के करीब है, कुली 165, यानी लॉकर भी बहुत कम है यहाँ। और सर हम यहाँ 165 कुली बैठना भी, बैठ नहीं सकते, 165 लोग तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर मुश्किल से भी एडजस्ट करेंगे तो 10-12 लोग।
कुछ यहाँ पे मुश्किल से 15-20 लोग सो पाते, बाकी सारे स्टेशन के अंदर सोते प्लेटफॉर्म पे। यानी आप काम करने के लिए जो भी यूज करने की चीजें यहाँ पे आके कर लिया, लॉकर वॉकर, लेकिन सोने के लिए प्लेटफॉर्म, ये बिस्तर जैसे हमारे रखे हुए, सर पे उठाएंगे, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे सोएंगे, सोवा लाके फिर यहीं पे हम रख देंगे। देखिए किस तरह से वहाँ पे बिस्तर को बांध कर रखा गया, ये सारे बिस्तर उठा करके रात में जाएगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे जाकर के कूली सोएंगे। दिक्कत तो बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी जो समस्या है इस स्टेशन पर मच्छर होगी। इस जगह मच्छर, देखो आपको मैं बताता हूँ, हर कूली पे। हाँ अच्छा, मच्छरदानी है वो? हाँ मच्छरदानी रखा आपने। अच्छा मच्छरदानी, मेरे मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान है हम यहाँ पे। तो ये सारी समस्या राहुल गांधी को बताया था कि आप लोगों ने? बताया था हमने, बिल्कुल बताया था हमने। क्या बोला उन्होंने? आश्वासन? हाँ बिल्कुल आश्वासन दिया उन्होंने। अब वो तो एक दिन में तो होने का नहीं काम। कि सरकार हमारी आएगी तो करेंगे, या सरकार नहीं भी आए तो भी आप लोग के लिए? ये बोल के गए, आएगी तो भी करेंगे, नहीं आएगी तो भी आपके लिए लड़ेंगे। राहुल गांधी आए तो ये ट्यूबलाइट लगी है? अच्छा उनके आने के बाद में ये ट्यूबलाइट लगी हुई है। अच्छा ये जो कूलर रखा हुआ है, अच्छा ट्यूबलाइट जैसे ये है ना बीच में, ये बंद इस तरह से बंद पड़ी थी, ऐसे ही ये बंद पड़ी थी। पंखे वंखे सब खराब पड़े हुए थे, राहुल गांधी आए तो सही हुआ है सारे पंखे वंखे। बिल्कुल। तो बोला है कि कब तक के लिए, या आपको आश्वासन कब तक का दिया कि कब तक ठीक हो जाएगा सारी? टाइम तो लगेगा हर चीज में। हाँ। लेकिन बोला हो जाएगा, आप लोग को उम्मीद है? बिल्कुल आश्वासन दिया। समस्या तो सुनी आप, क्या क्या समस्या? कोई और नेता इससे पहले कोई आया था अब तक सुनने के लिए? हाँ महेश गिरी जी आए थे, बीजेपी से थे वो, यहीं के सांसद थे, उनकी जगह गौतम गंभीर है ना, पहले वो थे महेश गिरी जी, वो आए थे और ये कुली हॉल उन्होंने ही बनवाया था। अच्छा महेश गिरी जी ने बनाया? बिल्कुल उन्होंने बनाया, उन्होंने मेहनत की थी हमारे लिए, रेल मंत्री से उन्होंने बात की थी और हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा की थी, उन्होंने बहुत अच्छे आदमी थे वो भी। यानी उन्होंने किया उसके बाद, भले बीजेपी के हो कांग्रेस के हो, लेकिन महेश गिरी जी ने किया उसके बाद किसी ने नहीं देखा पलट? नहीं फिर उसके बाद में कोई नहीं आया। अब उम्मीद जागी है कि राहुल गांधी से कुछ होगा? हाँ उम्मीद जागी है, लाएंगे 24 में आएगा। ठीक है चलिए, आप वो जगह दिखा दीजिए जहाँ पे आप लोग वहाँ पर रहते हैं। ये जगह तो देख लिया, छोटी सी है, पंखा वंखा लग गया है, वैसी छप्पर बना रखा आप लोगों, यानी 165 लोगों के लिए केवल ये जगह है जहाँ पे आप लोग रहते हैं, कपड़े वपड़े ऐसे टंगे हुए। हाँ जी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हमें तो पीने का पानी मिले, पीने का पानी नहीं आप लोग? नहीं यही पानी है, टंकियों का पानी है, बीमार भी हो जाते इससे, तो थोड़ा ऐसा पानी तो मिले सेहत हमारी। पानी के लिए बताया था कि नहीं आपने? नहीं बताने को सारी चीजें बताई थी उनको, उन्होंने ये इसीलिए तो वो आके देखा था यहाँ पे सारी हमारी, एक तो आदमी को बोलना पड़ता है, एक आदमी आंखों से देख के गया ना। अंदर कितने टाइम बैठे थे यहाँ पर आकर? यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट रुके थे, 10 मिनट के करीब रुके थे यहाँ तो। 10 मिनट? हाँ। अच्छा तो सारी बातचीत हुई, आप लोग का खाना पीना हुआ कुछ आप लोग के साथ? खाना पीना कुछ, खाना पीना नहीं हुआ। कितने बजे आए थे सुबह में? सुबह 8 बजे 10 मिनट आए थे वहाँ पे, आधे पौन घंटे वहाँ रुके थे, फिर यहाँ पे आ गए थे। पहले पता आ गए थे वो, अचानक आए थे, पहले कुछ पता नहीं था? नहीं बिल्कुल अचानक आ गए। अच्छा तो वहाँ पे आया तो आप लोग को पता चल गया था कि राहुल गांधी आ गए हैं? हाँ वो ऐसा हुआ ना, जो हमारा जो थाना है ना यहाँ पे, वहाँ कैंटीन है एक चाय की, तो हम चाय पीते हैं वहाँ पे। हाँ। सारे कुली छुट्टी का टाइम हो गया था, तो सारे कुली वहाँ चाय पी रहे थे, अचानक वो आ गए। अच्छा राहुल गांधी से मिलने के बाद आप लोग को क्या लगा, किस टाइप का आदमी है राहुल गांधी? बहुत अच्छे आदमी है और मजदूरों के हक में लड़ने वाले आदमी है, और देखो वो एक ऐसे आदमी है जो हमारा जो ठेला है ना कुली का सामान जिस पर हम ढोते हैं, तो उन्होंने कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं किया, मैं इसी बोला इसी पे बैठूंगा, वो आप जिस पे सामान उसी पे बैठना पसंद किया उन्होंने। अब आप लगाइए वो कैसे आदमी होंगे इस अंदाजा, उसी पे बैठे थे? हाँ उसी पे बैठे थे, कुर्सी पे नहीं बैठे थे। बातचीत हुई सारी फैमिली वाली के बारे में भी पूछा है, कितना कमाते हैं, फैमिली क्या करती है, ऐसा ऐसे सारे पूछा था उन्होंने, सारे गृहस्थ अपने घर परिवार कैसा चलता है तुम्हारा, और बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे तुम्हारे, और अच्छी शिक्षा मिल रही नहीं बच्चों को, सारी बातें पूछी थी गृहस्थी के बारे में उन्होंने। तो जैसा था हमने उनको बताया, आय कितनी है, इनकम कितनी है, घर चल जाता है नहीं, सब सारा पूछा था उन्होंने। बात की बताया कि आप लोग को सहायता देंगे या कुछ बताया? हाँ वो आश्वासन तो बोलता रहा हूँ मैं, आश्वासन तो दिया था, सारी समस्या आप लोग की दूर हो जाएगी। हाँ ऐसा बनाने के बारे में क्या बोला कि ये जो बना हुआ है आप लोग का ये करूँ जिसमें 165 लोग रहते हैं? हाँ तो उन्होंने ये बोला था इसको बड़ा करवाएंगे, बड़ा करवाएंगे। उम्मीद है आप लोग को राहुल गांधी? देखो उम्मीद तो है, 24 में लेके आएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल लाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है इसलिए समीकरण बनाया जा रहा है? नहीं नहीं वो उन्होंने ऐसे कोई राजनीति की बात नहीं थी, वो सिर्फ हमारी समस्या सुनो थी उन्होंने, राजनीति की कोई बात ही नहीं चली थी यहाँ पे, कोई बात नहीं की राजनीति, कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं चली थी, कोई बात नहीं थी, किसको वोट देना है, किसको हराना है, किसको, ये कोई बात ही नहीं चली थी। सिर्फ अभी मैं देखा हूँ यहाँ पे लोग खाना बना रहे, वहाँ पे भी चाचा खाना बना रहे, बाहर में बना रहे, वो सब जब आए थे तो ऐसा खाना बनाते हुए देखा था उन्होंने? नहीं उस टाइम खाना नहीं बन रहा था, उस टाइम खाना नहीं बन रहा था, वो तो चाय नाश्ते का टाइम था ना, तो उस टाइम जरूरत नहीं थी ना। पूछा है कि आप लोग खाना कैसे बनाते हो, क्या करते हो सब? नहीं इसके बारे में तो बात नहीं होती, खाना पीना के बारे में नहीं नहीं होती, खाली ये रूम देखा आपका जो लॉकर वॉकर लगा। हमें परेशानी है, हमें कैंटीन मिले उससे हमारे सारे कुलियों को खाना मिले, कैंटीन की जरूरत है हमें, तो मोहब्बत की दुकान खोले राहुल जी की, मोहब्बत की दुकान खोलेगी, मोहब्बत की दुकान खोलेगी जी जी। सारे कुली लग रहा है इस बार कि राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी जी साथ हैं, और
सरकार 2024 में राहुल गांधी जी की यहाँ राहुल गांधी जी पीएम बने, यही हम चाहते सर। हाँ उम्मीद तो है महेश गिरी आकर के कुछ बदलाव करके गए, आश्वासन तो देते ही है ना नेताजी, अब बदलाव तो होगा देखें। महेश गिरी जी तो आए थे तो उन्होंने तो आश्वासन दिया तो करके दिखाया। महेश गिरी ने किया था बेचारे ना, महेश गिरी जी ने हमें किया था, हमारा हॉल भी बना रहा था उस टाइम, हमें भी मतलब कोई उसने सुविधा दी थी उस टाइम, बेंच चेंज लगाई थी उसने, उसने भी किया था। राहुल गांधी जी से भी उम्मीद करते हैं आप? हर हर नेताजी से करते हैं उम्मीद तो सर, हम मजदूर आदमी था, हर नेताजी से करता हूँ उम्मीद। आप थे जब राहुल गांधी आए? मैं नहीं था उस टाइम, मैं रूम पे था, ये थे। आप थे? रोटी बड़ी मोटी मोटी बना रहे हैं देखिए, अच्छा देखिए किस तरह से रोटी मोटी मोटी बनाई जा रही है राजस्थान के। हालांकि चूल्हा बहुत छोटा है, कैंटीन की मांग कर रहे हैं, कैंटीन होना चाहिए उनको। जिस तरह से रोज सुबह बोझ ढोते हैं, कुली हैं तो कुली का काम बोझ ढोना होता है, बोझ ढो करके अगर आए और इस तरह से खाना बना के खाए दिक्कत तो होती है। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद लग रहा है? बड़ी उम्मीद है, सब नेताओं से उम्मीद होती है हमको तो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो किसी का भी, गरीब आदमी होता है उसको सबसे उम्मीद होती है। जब आप थे तब राहुल, जिस टाइम राहुल गांधी आए आप थे? हाँ थे, बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बैठे, सब गरीबों के बीच में बैठे, वो वर्दी भी फेरी उनने, वजन भी उठाया। उठाया तो था। हाँ तो वो यहाँ अंदर में बैठे थे? नहीं अंदर में भी बैठे थे, चेयर में लगाया था या जैसे आपका नीचे 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 ही बैठ गए? नीचे बैठे। हाँ नीचे, ये जैसे आप लोग यहाँ पे सोते हैं ऐसे नीचे? हाँ ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ के। बहुत अच्छे आदमी है, जो गरीबी के हित में होता है वही अच्छा होता है कोई भी पार्टी का हो। राहुल गांधी के आने से कुलियों में उम्मीद जागी है? उम्मीद जागी है धीरे धीरे।